हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गनली दैट इज गॉल्गीटर्स और इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज गॉल्गी बॉडीज ओके व्हाई इट इज टर्म्ड एज गोल्गी बिकॉज दिस सेल ऑर्गनली वाज़ डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट साइंटिस्ट के नेम पर ही इज सेल ऑर्गनली का नेम है दैट इज कैमलो गॉल्गी नाउ अगेन मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स अरेंज पैर टू ईच अदर इन स्टैक्स दैट इज सिस्टर्न्स और सिस्टर ने अब इस चीज को समझो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स ये मैम्ब्रेन बाउंड बोला है इसके ऊपर मैमब्रेन प्रेजेंट है वन मैमब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिखा रखा है बट थोड़ा सा क्लोज होते हैं ये ठीक है स्टैक्स ओवर एक के ऊपर एक जैसे हम कॉइन्स को रख दें एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक कॉइन को ऐसे ही ये एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है ठीक है पैरेलल टू ईच अदर पैरलर लाइन्स बोलते हैं ना वन टू थ्री इस तरीके से सिमिलरली दे आर स्टैक टूगेदर अरेंज पैरलर और इसको हम बोलते हैं सिस्टर ने सिस्टर ने क्या बोलेंगे सिस्टर ने दिस साइड इज सिस फेस एंड दिस साइड इज ट्रांस फेस दिस साइड इज सिस एंड दिस इज ट्रांस तो दिस साइड इज नियर न्यूक्लियस ठीक है न्यूक्लियस के पास होता है ये साइड ठीक है तो सिस इज टूवर्ड्स न्यूक्लियस एंड दिस इज मैच्योरिंग फेस ओके नेक्स्ट दिस इज कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है जस्ट दिस इज़ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ में ही यहाँ प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर हम बोल रहे हैं दिस इज़ न्यूक्लियस ओके न्यूक्लियस न्यूक्लियस की यहाँ पर दिस इज रफ आर ई आर दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इफ़ दिस इज आर ई आर कि इसके पास राइबोसोम है तो ये क्या हो गया आर ई आर रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम तो ये बनाएगा ये रफ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम क्यों होता है बिकॉज इस इट कंटेन राइबोसोम और राइबोसोम का काम क्या होता है इट विल फॉर्म प्रोटीन्स प्रोटीन सिंथेसिस और इसके पास में ही है यार गोल्गी एपरेटस तो जो ये प्रोटीन बनाएगा कौन ई आर एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम वो प्रोटीन की पैकेजिंग कौन करेगा दिस गॉल तो पहले किसके पास आएगा विच फेज सिस और मैच पैकिंग होने के बाद कौन से फेज पर ट्रांस सिस से ट्रांस तक जाएगा और ये पैकेजिंग होती है वेसाइकल में लाइक दिस इज द प्रोटीन और ऐसे पैक हो गया ठीक है इज जस्ट हम कहीं भी जाते हैं तो अपना सामान ब्रीफ केस में पैक करके ले जाते हैं यहाँ पर प्रोटीन सब्सटेंस है जिसको पैक होना है और वेसाइकल्स में ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा की ओके सो कनेक्टेड टू ई आर दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम एक सिस्टम बना देना ई ER आर से कनेक्टेड है अलग नहीं होगा ई ER आर प्रोटीन बनाएगा तभी तो गोल्गी उसको पैक करेगा ठीक है हेल्प्स इन पैकेजिंग और इस प्रोटीन को पैक करके वहाँ पहुँचाएगा जहाँ पर इसकी जरूरत है जरूरत है दैट इज टू द टारगेट कहाँ पर जरूरत है वहाँ तक इसको पहुँचाएगा ठीक है और किसकी फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड दीज स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड साइकल्स ओके और ये सेल ऑर्गेनली से एक और सेल ऑर्गनली बनता है दैट इज लाइजोजोम्स एक और सेल ऑर्गेनली बनता है लाइजोजोम हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और वन मोर फंक्शन ऑफ दैट गॉल्गीटस इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स शुगर्स का मतलब होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्म करना दिस इज द नेक्स्ट योर function again Golgi described by Camilo Golgi then the structures is trans this is new near nucleus near endoplasmic reticulum pack helps in packaging helps in transport of materials say a material is protein to the target from inside to outside. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा दैट इज़ न्यूक्लियस है इट मीन्स इसके अंदर डी होगा और मैंने बताया था डी से डी एन ए बन डी से डी बनता है एंड फिर डी से देर विल फॉर्मेशन ऑफ आर एन एंड देन आर से प्रोटीन बनता है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करेगा ये प्रोटीन बनाने में कौन हेल्प करता है ये आर ई आर क्योंकि इसके पास राइबोसोम है दैन ये पैकिंग गोल्गी एपरेटर्स टारगेट जो है रीजन तक पहुँचाएगा Okay, thank you.